बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं फरजाना ख़ान सोशियोलॉजी एडीपी प्रोग्राम पार्ट टू के साथ। हमने सोशियोलॉजी में बहुत सारे मुफक्करीन की जो है वो थेरीज़ को पढ़ा, जिसमें मुसलमान मुफक्करीन भी थे, ठीक है। इसके अलावा हमने सोशल प्रॉब्लम्स को पढ़ा और बहुत डिटेल से हमने उनकी जो कॉजेज़ हैं, जो उसके जो स्टेप्स हैं जिसको हम लेकर उन कॉजेज़ को ख़त्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी हमने किया। आज का जो हमारा टॉपिक कह लें या चैप्टर कह लें वो है साइंसी तरीक़ाकार। आज हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो सोशियोलॉजी में तहकीक करते हैं और कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। सोशियोलॉजी को हम सोशल साइंस कहते हैं, यानी ऐसी साइंस जिसका ताल्लुक माशरे के बारे में है और माशरा ही इसकी पूरी लेबॉर्टरी होता है। इसके लिए हम पहले से जो है वो कोई ऐसी लेबॉर्टरी नहीं बना सकते, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा नहीं कर सकते कि जिससे हम कहें कि हम जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे या ये रेशियो चीज़ों की इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 100% हर हाल में वही निकलेगा जिस तरह के साइंस के बाकी मज़ामीन में निकलता है, जिनको हम तबई साइंसेस भी कहते हैं, जैसे आपकी केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, ठीक है। कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी जगह पे उनका कोई भी तजर्बा जब किया जाएगा तो उसका रिज़ल्ट वही आएगा। लेकिन सोशल साइंसेस में जो है वो, क्योंकि इसमें इंसान, फ़र्द या माशरा इन्वॉल्व हैं, तो इसके रिज़ल्ट के बारे में जो है वो हम कोई लेबॉर्टरी बना नहीं सकते और ना ही हम पहले से जो है वो 100% जो है वो कोई पेशेंट कोई कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में पहली हेडिंग दी गई है साइंसी तरीक़ाकार। तहकीक में साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। साइंसी तरीक़ाकार वो औज़ार है जो साइंसदान अपनी तहकीकात में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रिसर्च के लिए या किसी भी किस्म की तहकीक के लिए, किसी भी साइंस में, चाहे वो सोशल साइंस है, उसमें जो तहकीकात की जाती हैं उसके लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको साइंसी तरीक़ाकार कहा जाता है। यानी ये साइंस का वो तरीका है जो उसकी तहकीकात में इस्तेमाल होता है। अब आपकी बुक में मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले कोहन और नीगल की दी गई है। उसने कहा है कि ऐसे इल्म को जिसमें वजूहात दी गई हों साइंस कहा गया है। और वो साइंसी तरीक़ाकार की तारीफ़ यूँ करता है कि साइंसी तरीक़ाकार मंतिक का ऐसा लगातार इस्तेमाल है जो जुमला वजूहाती इल्म का आम खासा है, कि जिसमें लॉजिक है और इस इल्म का ये खासा है और इस तरीक़ाकार के या इस मंतक से हम जिसको हम साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं उससे हम जो है वो रिसर्च करते हैं। साइंसी तरीक़ाकार सबसे काबिल एतमाद औज़ार है जो इंसानों ने आज तक दरियाफ्त किया है। इससे पायदार अकायद व असूल कायम किए जाते हैं कि ये तरीक़ाकार जो है वो सबसे काबिल एतमाद औज़ार है और इससे जो तरीक़ाकार वज़ा किए जाते हैं, जो असूल वज़ा किए जाते हैं, वो बहुत पायदार असूल होते हैं। आगे है जोडा और कुक की तारीफ है। इंसान ने जितने तरीक़े मालूम किए हैं उनमें से कोई भी बेयकीनी मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर सकता सवाए साइंसी तरीक़ाकार के। कि अभी हमने जिस तरीके से बात की कि हम सोशल साइंसेस में या सोशियोलॉजी में हम तहकीकात में ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वाक़यात हैं या ये हालात हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा या ये हो सकता है, लेकिन हम उसके लिए 100% श्योर नहीं होते। लेकिन साइंसी तरीक़ाकार में हम उस बेयकीनी को ख़त्म कर लेते हैं।
इस कॉल से मालूम हुआ कि साइंसी तरीक़ाकार ही वो वाहिद तरीका है जो इंसान की मालूमात को हकीकी यानी हकीकी मानी अता करता है, इसकी जो अदम यकीनी है उसको ख़त्म करके यकीन में बदलता है, इसे एक ऐसी सच्चाई की राह दिखाता है जिसकी उसे तलाश थी। यानी कि जब यकीन होगा, बेयकीनी ख़त्म होगी और इससे जो हमें राह मिलेगी वो होगी सच्चाई की राह, के जिसके बारे में हम 100% श्योर होंगे और हमें पता होगा कि ये जो रिजल्ट्स निकले हैं ये जो है वो बिल्कुल सही हैं, हम इस पर यकीन कर सकते हैं। बर्टन ने कहा है कि फितरत में बाकायदगी मालूम करने और उसकी दर्जाबंदी करने के तरीके को साइंसी तरीक़ाकार कहा जाता है। ये फितरत में जो बाकायदगी है, अब आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद है, जो कुदरती निज़ाम मौजूद है, जो कुदरत हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो एक तरीक़ाकार के मुताबिक काम करती है और उसकी जो दर्जाबंदी की जाती है उसको हम साइंसी तरीक़ाकार कहते हैं। अब इस तारीफ से हमें ये पता चलता है कि कुदरत के निज़ाम में एक बाकायदगी पाई जाती है, इंसान की माशरती ज़िंदगी इस बाकायदगी की मोहताज है। जितने वाक़ियात हमारे इर्द गिर्द रोनुमा हो रहे हैं सब एक असूल के तहत होते हैं। इन वाक़ियात के कवायद मालूम करना, फिर इन वाक़ियात को दर्जावार तकसीम करना साइंसी तरीक़ाकार कहलाता है। कि हमारे पास जो इतनी वसी कायनात मौजूद है, जो इतनी कुदरत मौजूद है, जो कुदरती निज़ाम पाया जाता है, आप खुद गौर करें तो उसमें एक बाकायदगी है, एक डिसिप्लिन है, एक रेगुलरिटी है कि जिसको जो अपने टाइम पे सब कुछ हो रहा है, एक तरीक़ाकार के मुताबिक हो रहा है, रुनमा हो रहा है, सूरज निकलता है, दिन होता है, रात होती है, शाम होती है, ठीक है, चाँद निकलता है, सितारे निकलते हैं, और इसी तरह हमारी जो इंसान की जो माशरती ज़िंदगी है वो इसी बाकायदगी के मुताबिक यानी इसी की मोहताज भी है और इसी के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजार रही है। और ये जो वाक़ियात हैं इनको कवायद को मालूम करना और फिर इन वाक़ियात को हम दर्जावार जो तकसीम करते हैं वो हम साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है कोहन और नेगल। फितरत में यकसानियत है और ये कायनात आम असूलों के तहत चल रही है। कि यकसानियत किस तरह से है कि रोज़ सुबह होती है, रोज़ सूरज निकलता है, अपने मुकर्रर वक्त पर ग़ुरूब होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर एक मुकर्रर वक्त पर जो है वो सूरज निकलता है। कि यानी हर दिन उसी तरह से निकलता है, उसी तरह से होता है जिस तरह से कि उससे पहला था।